हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी सेशंस में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 15 है। सेंटर स्टेट रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं, सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट के आपस में रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन केस कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, इस बारे में हम पढ़ेंगे। हमने एक हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? फेडरल स्ट्रक्चर है, दो क्वासी फेडरल है, मतलब विद अ यूनिटरी टिल्ट है। यूनियन गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर में बेटर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए हमें दो चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। एक तो सेंटर का हर स्टेट के साथ रिलेशन, सेंटर विथ स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसको हम लास्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, और इंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें हम आपस में स्टेट के रिलेशंस कैसे रिजॉल्व करेंगे कोई अगर इश्यूज हैं, और उनका बेटर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन किस तरीके से अचीव करेंगे, ये आज वाले चैप्टर में हम पढ़ना चालू करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल इनेबल्स द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश करने की पावर देता है? यह आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जवाब आपको ड्यूरिंग द क्लास वैसे भी मिल जाएगा। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विद इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशंस मतलब आपस में स्टेट के रिलेशंस किस तरीके से डिफाइन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेंटर स्टेट हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंटर स्टेट रिलेशंस। क्लियर है? सो फॉर अ फेडरल सिस्टम टू रन सक्सेसफुली देयर शुड बी अ हार्मोनियस रिलेशन एंड क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट बिटवीन द स्टेट इंटर से। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में हमें क्या होना चाहिए, हमें सिर्फ सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को नहीं डिफाइन करना है कि एक सेंटर है और बाकी स्टेट से इनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हार्मोनियस होने चाहिए, या क्या प्रोविजन है क्लियरली लेट डाउन होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे को राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, इनके रिलेशंस के बारे में भी कुछ प्रोविजंस बना पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं जो स्टेट से आपस में स्टेट में डिस्प्यूट आ जाते हैं। तो इन डिस्प्यूट्स को किस तरीके से रिजोल्व किया जाएगा, या इनके मैनेजमेंट, इनके बेटर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास क्या पावर है, हमारे देश की पॉलिटी के पास क्या क्या पावर है, किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि ये देश अच्छा चले, इस देश में आपस में स्टेट्स अच्छे से रहें, आपस में कोई भी सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज नहीं अपनाएं, अलग होने की बातें नहीं करें, और एक कंट्री में यूनाइटेड फॉर्म में चले, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है? अब जैसे हमारा परिवार ही होता है, तो ऐसा तो जरूरी है ना कि बाप के बच्चे से संबंध अच्छे होने चाहिए, सिर्फ फादर और सन के संबंध अच्छे होने चाहिए, आपस में भाई बहनों के रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए, सिर्फ पिताजी और बच्चों के रिलेशन से मतलब नहीं है, आपको बच्चों बच्चों में भी आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो इसी तरह कंट्री में भी क्या है, सेंटर के स्टेट से रिलेशन अच्छे नहीं होने चाहिए, आपस में स्टेट के रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो स्टेट एक दूसरे को मारने दौड़ रही है। क्लियर? वैसा एक्चुअल सेंस में ऐसा होता नहीं है, पर कुछ डिस्प्यूट फिर भी आ जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है, इंटर स्टेट रिलेशन। अब फेडरल स्ट्रक्चर के, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने को हार्मोनियस और बेटर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन चाहिए, तो उसको इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चार चीज़ों पे अहम एम्फेसिस दिया गया है। एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स सबसे ज़्यादा पेचीदा चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो आपस में स्टेट्स के बीच में आती हैं, स्टेट्स को जिसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने हमारे देश के तो बहुत सारे टुकड़े कर दिए, टुकड़े इन द सेंस बांट दिया कि लैंग्वेज के बेस पे बांट दिया, क्लास के बेस पे बांट दिया, अलग अलग एरियाज हो गए, सब चीज़ें बढ़ गई, इंसान इतना बढ़ गया है हमारे देश में, लेकिन हम नेचुरल रिसोर्सेज को तो नहीं बांट पाएंगे, हम नदियों को तो नहीं बांट पाएंगे कि ये नदी इधर से चालू हुई है तो इनकी है, ख़त्म इधर हो रही है तो इनकी है, तो नदी और इनको बांटना मुश्किल है, नदी और समुद्र को बांटना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आपस में स्टेट में डिस्प्यूट होते हैं। अब हो सकता है एक नदी एक पर्टिकुलर स्टेट से चालू हो रही है, और ये चालू होते होते एक स्टेट को, फिर दूसरी स्टेट को क्रॉस करते हुए तीन स्टेट में ये नदी जा रही है, तो अब ये वाली स्टेट है ये बोलती है कि भैया नदी मेरे यहाँ ओरिजिनेट हुई है, तो इसका सारा पानी पे हक किसका है, मेरा है। ये बोलती है भैया मेरी स्टेट से तो थ्रू आउट नदी जा रही है, चालू मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई स्टेट टू एंडिंग पॉइंट ऑफ माई स्टेट नदी मेरे यहाँ से गुजर जाती है, मेजर चंक ऑफ नदी मेरे यहाँ से जा रही है, तो इसके पानी पे किसका हक है, मेरा हक है। ये भाई साहब बोल रही है, ये स्टेट बोल रही है कि भैया एंड खत्म मेरे यहाँ पे हो रही है सारी नदी आके कहीं से भी बहती हुई है, खत्म तो मेरे यहाँ पे हो रही है ना, तो इसलिए मेरे पे हक है। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, इन तीनों में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, और ऐसे डिस्प्यूट हमारी कंट्री में बहुत सारे होते आए हैं पुराने टाइम से, और आज भी हो रहे हैं।
तो इसी को रिजोल्व करने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है कि बेसिकली प्रॉब्लम होती क्या है, क्लियर है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए हम एक इंटर स्टेट काउंसिल्स भी क्रिएट करते हैं इन स्टेट में। सपोज ये नदी की कहानी अब खत्म करते हैं अपन, स्टेट्स में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, इनमें स्टेट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन, तीन स्टेट्स चार स्टेट जितने भी स्टेट्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अगर हम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट करते हैं। आपस में स्टेट के लिए काउंसिल क्रिएट करते हैं जो कि सब तरीके के मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम वाटर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट को तो अलग ही रख दिया हमने, रिवर वाटर डिस्प्यूट को तो अलग ही कर दिया, इसको तो एक प्राथमिकता दे दी, इसको तो अलग से डील करना है। इसके अलावा कुछ और डिस्प्यूट्स हैं, कुछ और इश्यूज हैं, या कोऑर्डिनेशन करना है, या हमारे को रोडवेज निकालनी है या रेलवेज क्रिएट करनी है, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करते हैं, क्लियर है बात। सिमिलरली म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स, कुछ पब्लिक ऑफिसेस कुछ ना कुछ एक्ट्स क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब वो हो सकता है वो एक्ट या वो एक रिकॉर्ड या फिर वो जो भी लॉ है वो एक स्टेट में आया हो, दूसरी स्टेट में वो लॉ नहीं आया हो, लेकिन हमारी इंटर स्टेट रिलेशंस में हमें क्या करना है, कोई भी अगर एक स्टेट में कोई भी लॉ आया है, कोई भी एक्ट है या कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है, उसको हमें फुल फेथ एंड क्रेडिट देना है थ्रू आउट दी कंट्री या थ्रू आउट ऑल दी स्टेट्स। कंट्री इज बेसिकली व्हाट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, अ सम ऑफ स्टेट्स। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो हमारे देश में अगर एक जगह उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब नहीं कंजम्पशन भी उसी स्टेट में होगा, कंजम्पशन तो हमारे स्टेट में कहीं पे भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक जगह हो सकती है लेकिन कंजम्पशन तो हर आदमी को चाहिए। आज सपोज करो कि वेस्ट बंगाल में कोई प्रकार की जीन्स बन रही है, एक जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो क्या बाकी लोग कपड़े नहीं पहनेंगे पूरे देश में, सब पहनेंगे। तो ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट जरूरी है, इंटर स्टेट फ्री ट्रेड कॉमर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि एक पार्ट ऑफ आर कंट्री से दूसरी पार्ट ऑफ आर कंट्री कोई भी ट्रेड में कोई भी बाधाएं क्रिएट ना हो, कोई भी परेशानियां क्रिएट नहीं हो, और ये इंश्योर करने के लिए हमें एक और प्रोविजन पे एम्फेसिस देना है, दैट इज फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, क्लियर है बात। इसके अलावा क्या करें, जोनल काउंसिल का सेटअप भी कर सकती है पार्लियामेंट टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सबका मेन मोटिव क्या है कि आपस में स्टेट का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बेहतर रहे। इन सारे पॉइंट्स का मतलब एक ही है, सारे पॉइंट्स को प्रोविजंस का मतलब एक ही है, मतलब इन द सेंस कंसेप्ट पर्पस एक ही है कि हमारी इस अलग अलग जो स्टेट्स है उनमें इंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अच्छे से चल पाए। सो क्या है, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, रिवर वाटर डिस्प्यूट जो भी हैं उनको सुलझाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, देन इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप कर सकते हैं टू सेटल अदर डिस्प्यूट्स एंड टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ म्यूचुअल पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट्स और लॉज बन रहे हैं इन एनी पार्ट ऑफ आर कंट्री शुड बी गिवन फुल फेथ एंड क्रेडिट थ्रू आउट दी कंट्री। सिमिलरली हमें कुछ ऐसे प्रोविजन इंश्योर करने चाहिए जिससे हम प्रमोट करें फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अमंग स्टेट्स या इंटर स्टेट, क्लियर है। सिमिलरली जोनल काउंसिल्स कैन बी सेटअप। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, स्टेट पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, इंटर स्टेट काउंसिल मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट की काउंसिल बनाइए, दोनों स्टेट के या दो तीन स्टेट की मिलकर काउंसिल बनाइए। जोनल काउंसिल क्या है, काउंसिल क्या है, हमने देश को जोन्स में बांट दिया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, तो इसके अकॉर्डिंग एक जोन की एक काउंसिल अलग से सेटअप हो सकती है। इसको भी अब डिटेल में और पढ़ेंगे आगे जाके, क्लियर है। सो अब आते हैं हम सबसे पहला इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो हमारा पहला पॉइंट था, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। सो क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर डिसएग्रीमेंट्स ऑन शेयरिंग ऑफ वाटर एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो किन्हीं दो स्टेट गवर्नमेंट में पानी को लेकर अगर कोई लड़ाई है, नदी के पानी को या रिवर को लेकर कोई लड़ाई है, या रिवर वैली को रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लड़ाई है, या उस रिवर पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई लड़ाई है, तो उसको हम किस तरीके से सुलझाएंगे, हम सुलझाएंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर है। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमने देश को तो लैंग्वेज के बेस पे टुकड़े कर दिए, हमने बांट दिया बेसिकली, राजस्थान में अलग टाइप के लोग हो गए, गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग गए, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग हो गए, जो बेसिक हमारा कंसेप्ट था ऑन बेसिस ऑफ विच आर स्टेट्स आर डिवाइडेड जिस कराया हमने आफ्टर 1956। पहले जो था वो तो अलग तरीके से हमने डिवाइड करा था, हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री,
लेकिन फिर बाद में इवेंचुअली जो हमने कैटेगराइजेशन करा है वो किस बेसिस पे करा है, हमने लैंग्वेज के बेसिस पे करा है। तो हमने क्या करा है, हमारे देश को बहुत टुकड़ों में कर दिया। एक बहुत ही बढ़िया बात है हमारे देश की, बढ़िया नहीं बोलूँगा, मतलब आपको समझने वाली बात है कि हमने देश के पहले तो इतने सारे टुकड़े कर दिए, हमने देश को इतने विभाजन कर दिया ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट हमने टुकड़े कर दिए, ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमने स्टेट बना दी, हर तरीके से हमने हमारे देश के टुकड़े कर दिए हैं। और एट दी एंड ऑफ द डे हम रिजल्ट क्या चाहते हैं कि हम यूनाइटेड रहें। तो हमारे देश के जो सारे झगड़े हैं ना, हमारे देश के जितने भी झगड़े हो रहे हैं उसका एक ही मेन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमने एक तो पहले इसका इतना कैटेगराइजेशन कर दिया है, हमने हर धर्म को एक राइट दे दिया है कि आप अपने धर्म को प्रोफेस करो, आप अपने धर्म को प्रोपोगेट करो, अपने तरीके से फैलाओ, आप अपना एरिया अलग बनाओ, आप अपने मंदिर अलग बनाओ, आप सब कुछ आपने पूरी फ्रीडम दे दी। सिमिलरली आपने कास्ट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन और कर दिया कि ये जनरल है, ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी हैं, सो मेनी कास्ट, उसको भी हमने बांट दिया। फिर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे और बांट दिया कि ये मारवाड़ी, ये गुजराती, ये मराठी, ये तमिल, एक्स वाई जी कन्नड़, एक्स वाई जी मेरे को पता भी नहीं कितने हैं, ठीक है, हमने और बांट दिया। इसी तरीके से हमने हर लेवल पे हमारे देश के सिटीजन्स को बांटा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को अलग रख दिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को अलग रख दिया। और एट द एंड ऑफ द डे हम लड़ किसके लिए रहे हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें एक यूनिटी चाहिए। तो आप खुद बताएं कि ये पॉसिबल है, जब हमने इतने बाइफर्केशन कर दिए, हमने इतने कैटेगराइजेशन कर दिए, सो इज इट पॉसिबल कि हमारा देश कभी यूनाइटेड हो पाएगा? बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। हमारे लड़ाई झगड़े जब ही खत्म होंगे जब हमारे इतने सारे डिवीजन जो हमने करें इसके ऊपर से देखना चालू करें, इसको हटाएं, इसको दिमाग से हटाएं, तभी हमारा देश कुछ अच्छा कर पाएगा। सो इसी तरह से अब क्या हुआ, जब हम इतने टुकड़े कर रहे थे, इतने बांट रहे थे, लेकिन हमारी नदियों को हम नहीं बांट सकते थे। नदियाँ जहाँ से चालू हो रही है वहीं से चालू होंगी, नदियाँ जहाँ खत्म हो रही है वहीं पर खत्म होंगी। ऐसा नहीं बोल सकते थे ना नदी को कि भैया तुम यहाँ तक की नदी अलग है, यहाँ यहाँ तक की नदी अलग है, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ऐसा नहीं होने के कारण क्या हुआ, आपस में स्टेट में डिस्प्यूट क्रिएट होना चालू हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो गए। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो गए भाई? कॉन्फ्लिक्ट्स ये चालू हो गए कि भैया ये पानी तो मेरे यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये नदी तो मेरे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो इस पर मेरा हक है। किसी ने बोला ये नदी तो मेरे यहाँ खत्म हो रही है तो ये मेरा हक है। किसी ने बोला मेजर चंक ऑफ नदी मेरे यहाँ से जाती है तो मेरा है। किसी ने बोला हमारे स्टेट को बिल्कुल पानी की ज़रूरत है और पानी है नहीं हमारी स्टेट में, तो आप प्लीज़ ऐसा करें इस पानी को तो हमारे को दें, आपके पास तो और भी नदियाँ हैं, आप उससे अपना गुजारा चलाएं और इस नदी का पानी हमें अलॉट करें, तो डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे थे जिसकी वजह से क्या ज़रूरत पड़ी, हमें इस डिस्प्यूट को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ने लगी। सो दे अराइज ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑन दीज रिवर्स। सो क्या हुआ, जो कॉस्ट और बेनिफिट इनके हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के, तो इनको शेयर करने से रिलेटेड, इनके बेनिफिट्स को शेयर करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स अराइज होने लगे। क्लियर है कि इन्होंने बांध दिए, बेसिकली डैम्स बना दिए, उस पानी को यूज़ करने लग गए इरीगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट, तो दूसरी स्टेट ने बोला सारा पानी तो आप ही ख़त्म कर रहे हो, हमारे पास कहाँ से पानी आएगा। तो बहुत सारे लफड़े चालू होने लग गए, बहुत सारी लड़ाइयाँ चालू होने लगी। कुछ एग्जिस्टिंग जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो है जैसे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी के बीच में। ये डिस्प्यूट काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, रवि ब्यास रिवर डिस्प्यूट, पंजाब हरियाणा और राजस्थान भी इन्वॉल्व है इसमें कुछ पार्ट, यमुना रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से हमारे पानी के बेस पे लड़ाई चल रही है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो किसके बेस पे होगी, पानी के बेस पे। सो पानी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, बहुत बड़ा इशू है, पानी की सबको किल्लत है और हमारे देश में तो वैसे भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमारे यहाँ बारिश कम आती है कई बार हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है। सो पानी हमेशा से हमारे देश के लिए क्या रहा है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, एक रिच फैक्टर है, मतलब एक फैक्टर रहा है जिस पर सबका फोकस रहता है। तो अब जब ये कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कमोडिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए लड़ाई होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग पैसे के लिए लड़ते हैं, जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी के लिए लड़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने देखा हो एक बच्चा जो होता है, एक छोटा बच्चा, वो काहे के लिए लड़ता है, वो सबसे ज़्यादा लड़ता है खाने के लिए। खाने के लिए क्यों लड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में क्या है, खाना है। तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, और उसके लिए वो आपस में लड़ना चालू कर देता है। दो भाई बहन होंगे तो आपस में लड़ेंगे, या कभी भी पार्टी वार्टी में जाएंगे तो जो दोस्त होंगे वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए फूड, उनके लिए जो फूड है, जो चॉकलेट्स हैं, जो पेस्ट्रीज हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, और उसके लिए लड़ाई होती है। लेकिन हमारे देश के लिए इसी तरह जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे देश के हर आदमी के लिए, किसान के लिए क्या ज़रूरत है, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किल्लत किस चीज़ की है, पानी की है। तो लड़ाई इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या है, पानी है। तो इसी के बेस पे क्या होता है, लड़ाइयाँ डिस्प्यूट होते हैं।
अब आर्टिकल 262 क्या बोलता है? आर्टिकल 262 बोलता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और इंटरस्टेट वैल्यूज, ये पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 262 पावर देता है। हमने क्या बोला? पानी के डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं हमारे को, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हमें सॉल्व करने। लेकिन ये पावर कौन देता है? ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 262 टू सॉल्व द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। क्या बोलता है ये? ये बोलता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर्स इन एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास, आर्टिकल 262 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ के तहत लॉ बना के किसी भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। क्लियर है? सो पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट और कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर्स और इन एनी स्टेट वाटर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। क्लियर है? सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो भी वाटर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की, उस पर एडजुडिकेशन करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, अकॉर्डिंगली जैसा वो चाहे एज पर बाय लॉ। दूसरा बोलता है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सेप्ट ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेन। सो क्या बोला गया? दूसरा ये बोला गया पार्लियामेंट ये बोल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ना कि किसी और कोर्ट के पास पावर है कि ये इस वाटर डिस्प्यूट पे कोई भी जजमेंट दे। ये सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो इन दोनों का अगर हम क्रक्स निकालें तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट पे कोई भी अगर मुद्दा है या कोई भी डिस्प्यूट है तो उस पर फैसला लेने की क्षमता किसके पास है? उस पर रिजॉल्व करने की, उसको रिजॉल्व करने की क्षमता किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है और पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि उस पर ना सुप्रीम कोर्ट की पावर चलेगी ना किसी और अदर कोर्ट की पावर चलेगी इन रिलेशन टू एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में सिर्फ पार्लियामेंट की चलेगी और किसी कोर्ट की कोई भी औकात नहीं है या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है या किसी भी कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है। तो अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो रहा है तो एडजुडिकेशन की पावर पार्लियामेंट के पास है एंड अदर कोर्ट्स हैव नो पावर इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट्स। सो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जैसा हमने देखा कि इसके बारे में फैसला कौन लेगा या इसको कौन डिसाइड करेगा, सॉल्व कौन करेगा? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड क्या करे? बाय लॉ करता है। तो दो लॉ बनाए या दो एक्ट बनाए, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये दो लॉ बनाए किसने? पार्लियामेंट ने। इन लॉ के थ्रू क्या क्या करा पार्लियामेंट ने? सो रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 क्रिएट जो किया गया, दोनों 1956 में आए। रिवर बोर्ड्स क्रिएट करे गए अमंग स्टेट्स, रिवर बोर्ड्स क्रिएट गए हर रिवर पे जो पे भी थोड़ा सा हमारा डिस्प्यूट है या कुछ भी है उस पे हमने क्या करा? हमने रिवर बोर्ड्स क्रिएट करे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट अपने आप नहीं बना देगी किसी भी रिवर पे, हर रिवर पे एक रिवर बोर्ड बना दिया है हर दो तीन स्टेट से रिलेटेड जहां से रिवर का मुद्दा लग रहा है हमारे को या रिवर गुजर रही है उनके लिए हमने रिवर बोर्ड बना दिया। अगर किसी स्टेट को जरूरत है रिवर बोर्ड की तो वो रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर बोर्ड बना सकती है अंडर दिस एक्ट, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। उनको अथॉरिटी कौन दे रहा है? रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। क्या काम है इस रिवर बोर्ड का? इस रिवर बोर्ड का है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। तो रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स, जो भी नदियां एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रही है उनका पूरा रेगुलेशन और उनका डेवलपमेंट, उन पर कोई भी अगर हमारे को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इरीगेशन फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, डैम्स बनाने हैं या उसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करना है, तो वो सारी माथापोड़ी कौन देखेगा? रिवर बोर्ड दिखेंगे जो कि क्रिएट किए जाएंगे अंडर रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इनका काम डिस्प्यूट हैंडल करना नहीं है मोटा मोटा, इनका काम क्या है? डेवलपमेंट देखना, रेगुलेशन करना उसका, उस रिवर वैली या रिवर का। क्लियर है? सिमिलरली एक और एक्ट बताया, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये तो था डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए। एक बनाया डिस्प्यूट में, जब लड़ाई हो रही है, जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। और ये काफी फेमस है, ये काफी फेमस है, मतलब काफी बार बात होती है इसकी। सो एज पर दिस लॉ द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन अप्रोच द सेंटर फॉर अ ट्राइब्यूनल फॉर रेजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट। द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज फाइनल। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट कॉन्फर्ड टू द ट्रिब्यूनल इज बट एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है
कि इधर भी स्टेट गवर्नमेंट अप्रोच कर सकती है कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेंटर को पास जा सकती है और बोल सकते हैं साहब आप एक ट्रिब्यूनल बनाएं। ट्रिब्यूनल क्या होता है, बेसिकली एक जुडिशियल अथॉरिटी होती है, एक टाइप का कोर्ट होता है जो डिसीजन या जुडिशियल एक्टिविटी कर सकता है। सो ट्रिब्यूनल बनाने की रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकती है और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो भी उस ट्रिब्यूनल का नतीजा होगा वो फाइनल होगा। जो भी ट्रिब्यूनल किसने बनाई है, पार्लियामेंट ने बनाई है, पार्लियामेंट ने जो ट्रिब्यूनल बनाई है उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उस पर ना सुप्रीम कोर्ट की चलेगी ना किसी और कोर्ट की चलेगी, हाई कोर्ट की चलेगी ना कोई भी कोर्ट की चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अब बात आपको आती है कि यार जब सुप्रीम कोर्ट है, अदर कोर्ट्स हैं, तो ये अलग से ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट को बनाने की क्यों जरूरत आ रही है और उसका डिसीजन ही मान्य है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं चलेगा उस पर, या सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन, तो बहुत दूर की बात। तो ऐसा क्यों किया गया, जब हमने कोर्ट बना रखा तो उन्हीं को करने दो डिसाइड। तो इसके पीछे क्या बहस आती है या क्या आर्ग्यूमेंट होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रूल ऑफ लॉ पे चलता है ना, जो रूल लिखा हुआ है लॉ से उससे चलता है। तो अगर कोई दो लीगल एंटिटी हैं, जैसे लीगल एंटिटी मतलब अलग अलग लीगल एंटिटी, स्टेट अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, ठीक है ना, स्टेट कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, जैसे रिलायंस एक अलग लीगल एंटिटी है, विप्रो एक अलग लीगल एंटिटी है, इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बॉडी कोई भी कॉरपोरेशन कोई भी सोसाइटी अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है। तो सिमिलरली जब उसको लार्ज स्केल पे रह जाते हैं हम, तो एक स्टेट भी एक लीगल एंटिटी होती है, क्लियर है। तो अगर किसी भी दो लीगल एंटिटी में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, जनरली उसको रिजॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है, बहुत ही क्लियर बात है। अब लीगल एंटिटी का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एज पर लॉ करेगा। लेकिन सपोज करो राजस्थान में एक नदी चालू होती है और मध्य प्रदेश तक जाती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश तक जाती है। अब यहां से सिर्फ चालू होती है मतलब इधर से सिर्फ इसका 10% पानी है, बाकी 90% पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में है, पूरा 90% कहां पे, मध्य प्रदेश में है। तो राजस्थान बोलता है यार चालू तो मेरे यहां से हो रही है, मुझे पानी की जरूरत है, मेरे यहां पे सूखा है, और मध्य प्रदेश बोलता है मैं क्या करूँ यार, 90% पानी तो मेरे यहां पे आ रहा है, मैंने थोड़ी चालू करा, ये तो पुराने टाइम से चलता हुआ रहा है, सदियों से चलता हुआ रहा है, तो ये सारा पानी तो मेरे पास ही आएगा, मैं क्यों दूंगा। तो इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट होगी, ये इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है ना, इमेजिनरी सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट होगी तो लॉ के हिसाब से चलेगी, वो बोलेगी यार 90% पानी इनके पास जा रहा है तो 90% पानी इन्हीं के पास होना चाहिए, यूज़ भी यही करेंगे, और 10% की नदी इनकी है तो 10% पानी इनको दे दो। तो वो तो लीगल एंटिटी रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, पानी एक ऐसी समस्या है, पानी एक ऐसी समस्या है जहाँ पे हमें सिर्फ लीगल एंटिटी के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बारे में नहीं सोचना, वहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान के बारे में सोचना है, क्योंकि पानी तो सबकी नेसेसिटी है। तो हम सिर्फ इस बेस पे पानी सारा का सारा मध्य प्रदेश को नहीं दे सकते कि 90% ऑफ द रिवर लाइज इन मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे और कोई सोर्स ऑफ पानी नहीं है, यहाँ के लोग प्यासे नहीं मर सकते। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को न करके हम क्या करते हैं, हम एक सेपरेट ट्रिब्यूनल सेटअप करते हैं, एक सेपरेट कोर्ट सेटअप करते हैं जो कि इसको एनालाइज करेगी, पूरी यहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करेगी, वहाँ पे जाके दौरा करेगी कि किसको कितनी ज़रूरत है या किसके पास क्या अल्टरनेट ऑप्शंस है, फिर अकॉर्डिंगली वो डिसीजन देगी कि किसका कितना पानी होना चाहिए या कोई भी किस तरीके से यूज़ करेगा पानी को। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं अलाउ करते हैं, हम एक सेपरेट ट्रिब्यूनल एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी क्रिएट करते हैं अंडर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी अंडर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, और उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स का कोई लेन देन नहीं है, क्लियर है। फिर अंडर आर्टिकल, अब आते हैं हम इंटरस्टेट काउंसिल से, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट दो तरीके से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट सॉल्व होता है, एक हमारा दो एक्ट है, रिवर बोर्ड्स एक्ट और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसका काम रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट, इसका काम क्या है, इसका काम बाकी सारा काम कोई भी डिस्प्यूट है तो वो रिजॉल्व करेगा और इसकी पावर रहेगी। तो इसके अलावा जो भी कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन है बिटवीन स्टेट, उसको कौन इंश्योर करता है, तो उसको इंश्योर करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल, उनको इंश्योर करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। और ये पावर किसके पास है, ये पावर है इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप करने की प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 263। और ये था हमारा आज का क्वेश्चन, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू क्रिएट एस्टेब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल। सो आर्टिकल नंबर 263 एस्टेब्लिशेस या एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू क्रिएट इंटरस्टेट काउंसिल। अब ये दो स्टेट हैं,
पानी का डिस्प्यूट तो हमने सॉल्व कर दिया, पढ़ लिया, इसके अलावा जो भी इनमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की जरूरत है या कोई और डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करेंगे। और वो सेटअप कौन कर सकते हैं, वो सेटअप कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब अंडर आर्टिकल नंबर 263। क्या होता है इसमें, इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है इन कॉमन इंटरेस्ट या इन पब्लिक इंटरेस्ट हम क्या कर सकते हैं, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स एंड सेंटर स्टेट्स हम इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप कर सकते हैं। और कौन सेटअप करेगा, सेटअप करेंगे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, क्या ड्यूटीज हैं इन काउंसिल की, क्या काम के लिए बनाई जाती हैं ये, इंक्वायरिंग एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट विच मे हैव अराइज़न बिटवीन स्टेट्स। तो कोई भी डिस्प्यूट अपार्ट फ्रॉम रिवर प्रोजेक्ट है ना, रिवर वैली डिस्ट्रीब्यूशन उनके अलावा वाली बात, क्योंकि वो रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट तो अलग ही हो गया, इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको इंक्वायर करना, उसके पूरी स्टडी करना, क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है, उसको एडवाइस करना, ये सारा काम किसका है, इनका है अमंग स्टेट्स, कोई भी स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली इन्वेस्टिगेटिंग, जांच पड़ताल CID बनना एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट और यूनियन एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। सो इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना, क्या सब्जेक्ट है, किस वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, अमंग सारी स्टेट, अमंग सेंटर एंड स्टेट या अमंग डिफरेंट स्टेट्स। क्लियर है, आपस में स्टेट्स में और सेंट्रल स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसकी वजह जानना, उस पर डिस्कशन करना, उसको पूरा सा जांच पड़ताल करना, सारा काम इन लोगों का है, किसका है, इंटर स्टेट काउंसिल का। फिर तीसरा, जब हमने जांच पड़ताल कर ली, इन्वेस्टिगेट कर ली, इंक्वायर कर लिया, डिस्कशन कर लिया, एडवाइस कर ली, आपस में एडवाइस कर ली, तो अब हमारा काम क्या है, रिकमेंडेशन देना। सो मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, जो अभी हमने पहले पढ़ा, कोई भी डिस्प्यूट का सब्जेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम का सब्जेक्ट, एंड इन पर्टिकुलर रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। और मेन काम क्या है इनका, मेन काम है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को बढ़ाना अमंग सेंटर एंड स्टेट और इंटर स्टेट। पूरे चैप्टर का पर्पस ही है, पूरे चैप्टर का पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाना अमंग सेंटर एंड स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो यही काम इनका भी है, इंटर स्टेट काउंसिल का। सो मेन काम तो क्या है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, साथ ही साथ कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी इंक्वायर करना, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना और फिर अपनी राय देना, ये भी इनका काम है। इन शल बी लॉफुल फॉर द प्रेजिडेंट बाय ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल। आर्टिकल 263 क्या बोलता है कि प्रेजिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऐसी काउंसिल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एंड टू डिफाइन द नेचर ऑफ द ड्यूटीज एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, नेचर ऑफ द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय दिस काउंसिल। और काउंसिल, ये जो काउंसिल क्रिएट गई है वो कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, ये भी कौन बताएगा, प्रेसिडेंट साहब बताएगा, पूरे पर्पस लेट डाउन करेंगे। द फंक्शन ऑफ दिस काउंसिल इज एडवाइजरी इन नेचर, ये हमें ध्यान देना है कि ये एडवाइजरी है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा वहां पे। ये बिल्कुल उल्टा है जो हमने इससे पहले पढ़ा था वाटर डिस्प्यूट में, हमने क्या पढ़ा था वाटर डिस्प्यूट में, इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट में हमने क्या पढ़ा था, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट में क्या पढ़ा था हमने, कि जो बॉडी बनेगी उसका, जो ट्रिब्यूनल बनेगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी बनेगी, उसका फैसला मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स की कोई पावर नहीं है, क्योंकि पानी एक इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा और इनके लिए एडवाइजरी बॉडी का काम करेंगी ये काउंसिल, इनको एडवाइस करेगी, इनको रिकमेंडेशन देगी, इनका कोई मान्यता नहीं है इनकी, लेकिन ये एडवाइजरी रोल प्ले करेंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट को सलाह देंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी या कोई भी एडवाइस कर सकती है। अंडर आर्टिकल 131 टू डिसाइड लीगल कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन द गवर्नमेंट, क्योंकि 131 किसको पावर देता है, आर्टिकल 131 किसको पावर देता है, आर्टिकल 131 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि जब भी दो सरकारों के बीच में कोई भी भसड़ हो, कोई भी लड़ाई हो, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। सिर्फ पानी की अगर लड़ाई है तो उसके लिए क्या करना है, हमारे को सेपरेट बॉडी, सेपरेट ट्रिब्यूनल क्रिएट की जाती है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट विल लुक आफ्टर इट। सबके ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उनका फैसला मान्य होगा और वो एडवाइस किससे ले सकते हैं, वो इन काउंसिल से एडवाइस ले सकते हैं, या इन काउंसिल का मेन पर्पज ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करें। क्लियर है, सो फॉलोइंग कमीशन हैव बीन एस्टेब्लिश, और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग या इसी आर्टिकल की पावर के अकॉर्डिंग ये हमारे क्या कर रहे हैं, कुछ काउंसिल्स क्रिएट करी गई हैं। कौन कौन सी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट, फोर रीजनल काउंसिल फॉर सेल्स टैक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सदर्न जोन्स, जोनल काउंसिल बना दी गई है,
ये इनके पर्पस हैं, ये हेल्थ को रिलेटेड बात करेगी, ये अर्बन डेवलपमेंट और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात करेगी, ये स्पेसिफिक इन कमीशन का पर्पस है, इसलिए कमीशन बनाई गई है स्पेसिफिकली इन पर्पस के लिए। बिसाइड दिस द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी वर सेट अप अंडर दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, और भी बनाया गया है, होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का भी सेटअप किया गया है अंडर दिस एक्ट। ये काहे के लिए, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग दी स्टेट्स एंड सेंटर एंड स्टेट। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ, ये तो थी हमने स्पेसिफिक के लिए हमने क्या कर दिया, हेल्थ के लिए अलग बना दी, लोकल गवर्नमेंट के लिए अलग कमीशन बना दी, अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग कमीशन बना दी, मेडिसिन के लिए अलग बना दी, सेपरेट पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमने कुछ कमीशन बना दी, इंटरस्टेट काउंसिल्स बना दी हमने। लेकिन जब सरकार या कमीशन आई 1988 में, इनका टेन्योर था 1983 to 88, तो 83 में आ गई थी, 88 में इन्होंने क्या करा, रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन यूनियन स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स। तो सरकारी कमीशन 1988 ने क्या रिकमेंडेशन दी कि आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो बना रहे हो, दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं, आपने अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक काउंसिल बना दी, आपने एक कमीशन बना दी, आपने मेडिसिन के लिए बना दी, दैट इज फाइन, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन हमें एक ऐसी काउंसिल की जरूरत है जो कॉम्प्रिहेंसिव देखे, सारा का सारा मुद्दा वो देखे, परमानेंट काउंसिल चाहिए हमारे को। और उस काउंसिल को नाम क्या दिया जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बॉडीज, क्योंकि अदर बॉडीज तो क्या थी, स्पेसिफिक थी, क्या थी, पर्पस के लिए थी। जैसे हमने देखा ना, पर्पस था अर्बन डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, मेडिसिन, होम्योपैथी। लेकिन यहां पे क्या है, एक पूरी बॉडी होनी चाहिए, परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए और दूसरों से अलग होनी चाहिए, इसलिए उसको नाम क्या दिया, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। अब ये रिकमेंडेशन दे दी गई थी 1988 में, लेकिन जब जनता दल गवर्नमेंट आई वीपी सिंह साहब की 1990 में, तो इसका सेटअप किया गया इंटरस्टेट काउंसिल का, इस काउंसिल का सेटअप किया गया। रिकमेंडेड कब किया था, रिकमेंडेशन कब किया था, 1988 में। किसने दिया था, सरकारी कमीशन ने, 1983 to 1988 जो थी। फिर इस इंटरस्टेट काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन पार्ट है इस इंटरस्टेट काउंसिल का, सो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई भी यूनियन टेरिटरी एक जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर या LG। सो कौन कौन सी हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, पुडुचेरी और अब J&K हो गई है जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन लोगों के कौन आएंगे, चीफ मिनिस्टर, और बाकियों के कौन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इज नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, और अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर है तो उसका गवर्नर। क्लियर है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, जितनी भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर, जो यूटीज हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके चेयरमैन, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है तो उनके चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? फिर जिनके नहीं है उनके जिन यूटीज के लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर या LG आएंगे। फिर आएंगे आपके गवर्नर ऑफ स्टेट, अगर कोई प्रेसिडेंट रूल में कोई स्टेट है तो उधर के आ जाएंगे गवर्नर उस स्टेट के। साथ ही साथ सिक्स मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन दी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर, इसमें होम मिनिस्टर इंक्लूडेड है, अमित शाह इसके अंदर इंक्लूडेड है आज की तारीख में। ठीक है? सो सिक्स मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन दी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? फाइव मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक एज परमानेंट इन्वाइट मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो ये तो थे इसके कौन कौन पार्ट रहेंगे इस काउंसिल के, इंटरस्टेट काउंसिल के। अब आते हैं आगे, क्या है काउंसिल, इज अ रिकमेंडरी बॉडी ओनली, अभी हमने सबका कि एडवाइजरी है बॉडी है, ये रिकमेंडरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल रहेगा, इनका फैसला फाइनल नहीं रहेगा, ये फैसला ले ही नहीं सकते, फैसला कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा, लेकिन उनको एडवाइस कौन करेंगे, ये करेंगे। तो ये इसके दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, तीन बार आपको मिलना है साल में, मुलाकात करनी है आप लोगों को, पूरी काउंसिल को बैठना है, हेल्ड अंडर द कैमरा, कैमरा में आप हो गए, बिग बॉस के कैमरा में हो गए आप लोग, ऑल क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय द कंसेंसस, कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता, कंसेंसस से आपको सारे नतीजों पे पहुंचना है। क्लियर है? सो क्लियर है ये इसका सारा सिस्टम इंटरस्टेट काउंसिल का। पर्पस क्या है, पहले हम शुरू में पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अमंग सेंटर एंड स्टेट, ये देखो, इंक्वायरिंग एंड एडवाइजिंग अबाउट डिस्प्यूट विच में अराइज इन बिटवीन द स्टेट, तो एक ही बात है, इन्वेस्टिगेशन करना उनकी,
इंक्वायर करना क्या प्रॉब्लम है, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन एनी सब्जेक्ट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी ऑफ एक्शन, डिलिबरेटिंग अपॉन सच अदर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू स्टेट एज मे बी रेफर्ड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बात? तो इस काउंसिल का मेन पर्पस क्या है, कोई भी ऐसे मुद्दे हैं, कोई भी ऐसे इशू हैं तो इंक्वायर करना, कॉमन इंटरेस्ट देखना अलग अलग स्टेट्स का, उनके ऊपर एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट को, ये इनका मेन काम है। क्लियर है बात? इसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी भी दी गई है इनको साथ साथ, ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट फॉर कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। क्लियर है? तो स्टैंडिंग कमेटी भी एक साथ, कमेटी भी एक साथ साथ है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब परमानेंट कमेटी, ये काउंसिल के लोग चेंज हो जाएंगे लेकिन एक साथ ही साथ एक स्टैंडिंग कमेटी है जो आपको कंटिन्यूस रिड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड करती रहेगी, हेल्प प्रोवाइड करती रहेगी स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर है बात? सो कमेटी, इस कमेटी में कौन है, कंप्राइजेज ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर एज चेयरमैन, 5 यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, 9 चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एज मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। ये इनके अंदर के मेंबर्स है। सिर्फ गो थ्रू करना है, कोई ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू कर लो क्या क्या कौन कौन लोग आते हैं। इस काउंसिल को एक और बॉडी असिस्ट करती है जिसका नाम है इंटर काउंसिल सेक्रेटरिएट। जो भी लिखा पढ़ी के एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी, एक सेक्रेटरिएट दिया गया है, इंटर काउंसिल सेक्रेटरिएट इनको दिया गया है हेल्प के लिए, जिसको एस्टेब्लिश किया था 1991 में, हेडेड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेक्रेटरी है वही इसको हेड करते हैं। ऐसी एक सेक्रेटरिएट प्रोवाइड करी गई है किसको, इंटरस्टेट काउंसिल को। और इनको जोनल सेक्रेटरिएट, जोनल काउंसिल जो आगे हम पढ़ेंगे, जोनल काउंसिल भी एक बनाई, अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरस्टेट काउंसिल, साथ ही साथ हम आगे पढ़ेंगे एक जोनल काउंसिल भी क्रिएट करी जाती है। जो मैंने आपको बताया था कि हम जब हमारे देश को जोन्स में डिवाइड करते थे, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, तो उन जोनल काउंसिल की सेक्रेटरिएट का काम भी यही सेक्रेटरिएट करती है। तो द सेक्रेटरिएट इज कॉमन फॉर इंटरस्टेट काउंसिल एंड फॉर जोनल काउंसिल, दोनों के लिए एक ही सेक्रेटरिएट काम करती है। और इनको हेड कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी। क्लियर है? एस्टेब्लिश कब की गई, 1991 में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एंड इंटरस्टेट काउंसिल इन इंटरस्टेट रिलेशन। तो इंटरस्टेट रिलेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स और कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल, ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉग्निशन, और फिर चौथा फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और साथ ही साथ जोनल काउंसिल के बारे में भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।